नमस्कार, फिर से हम आपके सामने आ गए हैं। आरओ प्लांट वाले जितने हमारे भाई हैं, ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल 20 लीटर जार की प्लांट वाली मशीन है और ये हमारे मित्र सुनील जी हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में हैं, ट्रेनिंग दिया जा रहा है इनको। टीडीएस के बारे में बता रहे हैं कि टीडीएस का मतलब क्या होता है, आरओ में टीडीएस का मेंटेन करना किस तरह से होता है इनको हम बता रहे हैं, लेकिन जिनको आरओ प्लांट दिया जाएगा उनको भी ये चीज़ फायदा करेगा कि अगर टीडीएस मेंटेन करना है तो किस तरह से टीडीएस मेंटेन करना है। एक्चुअल में कस्टमर के लिए ही ये चीज़ें हैं, चाहे इनको ट्रेनिंग समझ लीजिए, चाहे वो कस्टमर के लिए समझ लीजिए कि जिनको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, छोटा सा आइटम के लिए वो खुद भी खुद समझ जाएंगे। अब देखिए, ये हाई प्रेशर पंप है, अंकुर नज़दीक में आ जाओ जो क्लियरिटी को समझ में आ पाए। देखिए, हम लोगों ने रिजेक्ट पानी को यहाँ पे निकाल करके लाया हुआ है, इधर आगे फ्लोमीटर लगा हुआ है, अभी इसको फ्लोमीटर को दिखा दिया जाएगा। चार पाइप हैं तो चारों पाइप में ये पतले पाइप का ज्वाइंट किया गया है। मैं पतले पाइप को निकाल के दिखा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कस्टमर हैं वो इस पाइप को निकालना नहीं जानते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, लगते हैं खींचने। जैसे मान लीजिए ये पाइप है, सामने लगा हुआ है, घड़ी में है, ये है, इसको निकालने में उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बताया जाता है वीडियो कॉल पर तो समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे देखिए, ये टी है, ये डोमेस्टिक आरओ में लगता है। संजोग से जान लीजिए कि घरेलू आरओ में भी टीडीएस ऐसे ही मेंटेन किया जाता है। जो घर में आरओ लगता है, किचन में, बाथरूम में लोग अपना लगा करके पानी पीते हैं, सेम इसी तरह का रहता है, उसका भी टीडीएस मेंटेन करना। यहाँ पे एक छोटा सा दाबेंगे तो ऊपर और नीचे होता है, ऊपर और नीचे छोटा सा हो रहा है, देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, अंदर और बाहर जा रहा है। इसको हम नाखून से अंदर दाब देंगे और इस पाइप को खींच देंगे, निकल जाएगा, बस इसका इतना ही काम है। अब देखिए, रिजेक्ट पानी से हम लोग इसको ये लिए हुए हैं, रिजेक्ट पानी से एक पाइप लिए हुए हैं पतला वाला, जो घर के आरओ में पाइप लगता है। एक प्रेशर घड़ी का ये है, ये प्रेशर बताता है कि कितना है, और हमारा ये पीने वाला पानी का ये एक लाइन है। इन तीनों को हम एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं, देखिए किस तरह से, ये सीधा सीधा है, किसी भी छोर में किसी भी को अंदर डाल करके और ऐसे इसको पुश कर देना, बैठ गया ये। अब कितना भी प्रेशर पड़ेगा तो ये निकलेगा नहीं। फिर दूसरे लाइन को हम क्या करेंगे, किसी भी होल में, दो होल बचा हुआ है, किसी भी होल में जिसमें आपको पसंद आता है उसमें इसको डाल दीजिए, बस ये हो गया, ज्वाइंट हो गया। ये तीसरा पॉइंट हमारा बचा, इसमें इसको डाल दीजिए, डाल दिए तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों कनेक्ट हो गई। लेकिन टीडीएस मेंटेन करने के लिए बीच में देखिए हमने एक वाल लगाया हुआ है, ये वाल सीधा अगर है तो ये चालू है, फुल खुला हुआ है, यानी पाइप ये बंद नहीं है, पाइप बंद नहीं है। जब हम इसको ऐसे इसके अपोजिट में कर देंगे तो ये बंद हो गया, बिल्कुल पानी यहीं तक आके रुक गया, यहाँ अंदर पानी नहीं जाएगा, रुक गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो हमारे वहाँ मैक्सिमम 60, 65, 70, 80 इस तरह से लोग 20 लीटर के पानी में पानी पिलाते हैं। मेम्ब्रेन क्या करता है, पानी छानता है, वो 10 TDS, 20 TDS, 50 TDS का पानी छानता है। तो किसी का अगर 10 TDS पानी छान रहा है तो वो डायरेक्ट मिला कर 10 TDS बहुत कम होता है, इसमें से मिनरल सारे निकल जाते हैं। तो हम अपने नल का ही पानी को इसमें मिलाने का काम करते हैं, इस रास्ते से जाता है और इसी रास्ते में आता है, तो उसमें से थोड़ा हम खोलते हैं, इतना कम खोला जाएगा कि एडजस्ट कर समझ में आए कि हाँ, इंजेक्शन का जो सिरिंज का जो फ्लो होता है, दाबते हैं तो फेंकता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा खोल के चेक करेंगे कि हमारा कितना पानी इसमें मिल रहा है। ये नीचे के पाइप में लगा हुआ है और ये नीचे मिल जाएगा और ऊपर फ्लो हो करके ऐसे इस पाइप से हम इस पाइप को ले करके और कहीं टंकी में जहाँ पीने के योग्य पानी होता है वहाँ पे जा करके इसको मिलाते हैं।
टंकी में स्टोर करते हैं, स्टोर हो जाता है तो वो पीने योग्य पानी हो जाता है, इसको मिलाएंगे। अब हम TDS कैसे चेक करेंगे, इसको थोड़ा खोलेंगे, फिर यहाँ पे यूनियन देखिए दिया गया है, यूनियन दिया गया है, इस यूनियन को खोलेंगे, थोड़ा लूज करेंगे तो यहाँ से पानी टपकना चालू हो जाएगा। अपना TDS मीटर लीजिए और यहाँ पे पानी रोकिए और उसको चेक करिए, अगर 20 TDS है तो फिर दोबारा से इसको क्या करिए, थोड़ा सा इसको खोल दीजिए, खोल करके और फिर से इसको चेक करिए, इसको खोल करके पानी टपकना चाहता हूँ, फिर TDS मीटर से चेक करिए, फिर दोबारा से मान लीजिए कम है आपका, मान लीजिए 100 हो गया, ज़्यादा खोल दिए 100 हो गया, फिर इसको चेक करिए, आपको 100 चाहिए नहीं, आपको 70 चाहिए, सपोज दैट उदाहरण जैसे मान लीजिए आपको 70 चाहिए, फिर अब इसको थोड़ा सा बंद करेंगे, बंद करेंगे, फिर यहाँ से खोल करके चेक करेंगे, TDS मेंटेन यही करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपने हिसाब से आप इसको कर लेंगे। हाँ, ये घरेलू RO का पाइप लगा हुआ है, इसमें ये लगा है, कभी कभी हम लोग प्लांट बनाते हैं तो क्या करते हैं, आधा इंच का पाइप का ही कनेक्शन लेकर के यहाँ से इसमें से, और ऐसा वाल, ये जो पौना का वाल हम लगाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही वाल इस डायरेक्ट पाइप को लगा करके, ये आधा इंची का पाइप इसमें जोड़ करके और इसी में जोड़ करके एक वाल बीच में लगा देते हैं, तो सेम काम उस वाल का भी होता है। जैसे बहुत सारे लोग भाई ऐसे होंगे जो हमसे प्लांट नहीं लिए होंगे, हमसे पहले से प्लांट होगा, जब से हमारी दुकानदारी होगी, चाहे किसी दूसरे जगह से प्लांट लिए होंगे, तो वो किस तरह से उसका बना हुआ है उसकी, इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप एक बार दो बार तीन बार हमारी वीडियो को देखिए, देखिए ध्यान से, जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे वाले वाल को भी स्लो खोलिए, स्लो जब खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा TDS कैसे मेंटेन हो रहा है, और पानी यहीं से चेक कर सकते हैं, टंकी में दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से यहीं पे चेक कर सकते हैं। ये RO में जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल या 20 लीटर का जार का पानी बेचने का RO प्लांट, जिस नाम से आप जानते हो, जिस काम से जानते हो, ये TDS बराबर करने का, TDS एडजस्ट करने का काम यही होता है। इसी छोटे से काम के लिए दूर से आप परेशान रहते हैं कि मेरा TDS बढ़ गया है, आप मिस्त्री को हायर करते हैं, मिस्त्री 100-200 का तेल लगा के जाएगा, समय खर्च करेगा तो वो पैसा का डिमांड करेगा, और पैसा आपको देना भी है और वो बताएगा भी नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा, एक एक करके एक एक पार्ट का प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं होता है तो हमारा नंबर डिस्प्ले पे, मोबाइल में डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक भेजेंगे उस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर कॉल करेंगे, हम अपने मिस्त्री को वहाँ पे भेजेंगे, जो खर्चे होते हैं जेन्युइन खर्च उनसे लिए जाएंगे, उनका काम कराया जाएगा, उनका प्रॉब्लम दूर कराया जाएगा। वीडियो बनाने का टोटल तात्पर्य यही है कि आप जुड़ेंगे तो आपको व्यक्तिगत लाभ भी मिल जाएगा और हमसे जुड़ करके आपको जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, जिससे हमारा और आपका एक संबंध बना रहेगा और आपका भी काम चलता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा। अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है, लर्निंग पीरियड में है, इनको ये बताया जा रहा है, उसी माध्यम से संजोग से वीडियो बन रहा है, तो आपको भी ये वीडियो लाभ देगी। अच्छा, नमस्कार।